आज आपके लिए लाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो टॉपिक के लिए काफ़ी लोग काफ़ी दिन से हमसे डिमांड कर रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे। सीटी एनजीओ और कन्वेंशनल एनजीओ में क्या डिफरेंस है, ये दोनों किस तरह की मोडालिटीज़ हैं, और इसमें इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव क्या है, किसको किस इंडिकेशन में करना चाहिए, क्यों कार्डियोलॉजिस्ट प्रिफर नहीं करते हैं सीटी एनजीओ, और क्यों नॉन कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं सीटी एनजीओ को, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, गलत टेस्ट करवाते हैं, फिर दोबारा जब टेस्ट करना पड़ता है तो पैसा भी वेस्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट से किडनी भी डैमेज होती है, और लोगों को अननेसेसरी इनकन्वीनियंस होता है, क्योंकि कोई डॉक्टर कुछ बोलता है, कोई डॉक्टर कुछ बोलता है। फिजिशियन या किसी नॉन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो सीटी एनजीओ बोलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा, कन्वेंशनल एनजीओ, पेशेंट को लगता है कि सब डॉक्टर्स उनको कन्फ्यूज कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। तो आज हम उन सारे डाउट्स और मिथ्स को क्लियर करेंगे कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम क्यों कन्वेंशनल एनजीओ को प्रेफर करते हैं, एज अ कौन से केसेस में हम भी सीटी एनजीओ के लिए पेशेंट को भेजते हैं, कौन से केस में सीटी एनजीओ को फ़ायदा नहीं होगा, वो सारी चीज़ों में बात करेंगे। सीटी एनजीओ एक्चुअल में क्या होता है और कन्वेंशनल एनजीओ में उसमें डिफरेंस क्या है, फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, वो सारे टॉपिक्स को आज हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होगा, और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप पूरे एंड तक देखिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लिनिकली यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और आप उस कंटेंट को तुरंत देख के उसका लाभ उठा सके, और डेफिनेटली इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो मिलती ही है। आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एंजियोग्राफी क्या है? सबसे पहले एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है जिसमें हृदय की नलियां या बॉडी की कोई भी नलियों के ब्लॉकेजेस को देखने के लिए एक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से एक फ्लोरोस्कोपिक मशीन, जो कि बेसिकली एक एक्सरे की मशीन है, हाई इंटेंसिटी एक्सरे होता है। खैर, सीटी एनजीओ और रेगुलर एनजीओ दोनों ही सेम चीज़ें, दोनों ही हाई इंटेंसिटी एक्सरे ही है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक्सरे की बीम जब उस नली को क्रॉस करती है तो वो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एक ओपेक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो एक्सरे की रेडिएशन को क्रॉस करने नहीं देता। नॉर्मल नलियों में जब हम कॉन्ट्रास्ट मतलब एक्सरे बीम्स को अगर क्रॉस करेंगे जिसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो ब्लड के थ्रू एंड थ्रू एक्सरे निकल जाएगा, यानी वो रुकेगा नहीं वहाँ पे, तो कोई भी उसके पीछे अगर आप स्क्रीन लगाते हैं तो उसमें कोई इमेज नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मटेरियल एक कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, तो नली जब वो कॉन्ट्रास्ट से भर जाती है और सेम टाइम पर अगर रेडिएशन की बीम उसको क्रॉस करती है, तो वो उसको थ्रू एंड थ्रू क्रॉस नहीं कर पाएगी। जो एरिया वो नली का है जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बीम क्रॉस, कॉन्ट्रास्ट की वजह से रेडिएशन बीम क्रॉस नहीं कर पाए, वहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर पे एक मशीन की उस पर एक फ़ोटो आ जाएगी कि ये एरिया पे यहाँ पे नली है जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट क्रॉस नहीं किया है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अगर नली ज़्यादा नैरो है या ज़्यादा पतली है या लूमेन में रुकावट है, तो वो एंजियोग्राफी की जो इमेज इंटेंसिफायर है उसमें उसकी इमेज थोड़ी अलग तरह से बनती है। जो इंटेंसिटी पर रेडिएशन वहाँ ट्रांसमिट होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि कौन से एरिया में नली पतली पड़ी है, कौन से एरिया में नॉर्मल है। अगर नली का नॉर्मल कोर्स दिख रहा है तो वो चौड़ा रहेगा, कोई पार्ट जहाँ पे वो पतली दिखेगी उसका मतलब वो पतली इसलिए दिख रही है क्योंकि उसके दोनों तरफ में ब्लॉकेज है। पतली इसलिए दिख रही है क्योंकि चारों तरफ से जब नली के चारों तरफ से अगर उसमें ब्लॉकेज आ गया है, तो हम सिर्फ नली के अंदर का पोर्शन देख रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट भरा है। बेसिकली मशीन जो है उसके रेडिएशन बीम ब्लड को तो देख नहीं सकती, वो कॉन्ट्रास्ट कितना भर रहा है उसको देखेगी। तो जो पोर्शन में अगर ब्लड क्रॉस कर रहा है, तो ऊपर वाले पोर्शन में ब्लड नली चौड़ी है तो ब्लड कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखेगा, जहाँ पतली हो गई है तो वहाँ कम दिखेगा, फिर चौड़ी दिखेगी। तो वो पतला वाला पोर्शन डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कौन से पोर्शन पतला है और कौन सा पोर्शन चौड़ा है, कौन से पोर्शन में ब्लॉकेज है, कौन से पोर्शन में ब्लॉकेज नहीं है। तो बेसिकली ये एक लुमिनोग्राम है, यानी लुमेन के अंदर कितना कॉन्ट्रास्ट भरता है उसके बेसिस पे उसके इमेज को हम इंटेंसिफायर से जब असेसमेंट करते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि नली कहाँ पे पतली है, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ नहीं। ये एक इनडायरेक्ट असेसमेंट है कि कहाँ पे नली पतली वहाँ ब्लॉकेज है। ऑब्वियसली नली के बाहर से भी अगर कोई रुकावट आ रही है या नली कोई और कारण से भी दब रही है तो भी वहाँ पे वो पतली दिखेगी, चाहे वो मायोकार्डियल ब्रिज की वजह से दब रही है, चाहे वो बाहर से कोई रुकावट आ रही है या बाहर से कोई ट्यूमर है, गठान उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे नली पतली ही दिखेगी। पर सबका शेप और पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, इसके बेसिस पे डॉक्टर आपको डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, और उसके अनुसार हम वहाँ पे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं सीटी एनजीओ और कन्वेंशनल एनजीओ में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल एनजीओ का बेसिकली मतलब ये है कि उसमें हम कैथेटर के द्वारा हार्ट के पास एक कैथेटर ले जाके उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। इसके लिए पेशेंट को 2 से 3 घंटे अगर हाथ से एनजीओ करें और पाँव से अगर एनजीओ करें तो 4 से 6 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसमें हम पेशेंट को एक कैथलैब करके कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबॉरेटरी होती है,
कैथलैब कॉमन भाषा में इसे बोलते हैं, वहाँ पे पेशेंट को रखते हैं, वो भी बेसिकली सीटी स्कैन जैसी ही मशीन है, उसमें भी रेडिएशन बीम ही क्रॉस करता है और एक सेमी सर्कुलर आर्क होता है मशीन का जो एक साइड से दूसरी साइड रेडिएशन बीम को क्रॉस करता है। एक तरफ से रेडिएशन बीम निकलती है और पेशेंट की दूसरी तरफ जो है एक इमेज इंटेंसिफायर रहता है जो इमेज को कैप्चर करता है और मशीन पर उसकी फ़ोटो आ जाती है। ये कैथेटर जो इसके लिए कैथेटर एंजो करते हैं, इसको कन्वेंशनल एंजो जिसे करते हैं इसका कैथेटर एंजो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हम नली के अंदर एक कैथेटर पास करते हैं और हार्ट के पास लेकर जाते हैं, जबकि सीटी एंजो में कोई कैथेटर यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पे वीनस कैनुला के माध्यम से जिस तरह से हम सलाइन इंजेक्ट करते हैं, उसी तरह कैनुला से हम एक बहुत फोर्सफुल पावर इंजेक्टर के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट डायरेक्टली पुश करते हैं, तो इसमें हार्ट के अंदर या हार्ट के पास कोई कैथेटर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कन्वेंशनली इसको लेस इन्वेसिव माना जाता है सीटी एंजो को रेगुलर एंजो के कंपैरिजन में। सीटी एंजो के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, रेगुलर एंजो के लिए आपको 3-4 घंटे या 6 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। रेगुलर एंजो में आर्टीरियल पंचर होता है, यानी बड़ी नस जिसे हाई प्रेशर आर्टरी बोलते हैं, जो हार्ट के से ब्लड को शरीर में ले जाती है, उसको पंचर करना पड़ता है। अगर हाथ से किया गया तो उसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं, पाँव से किया गया तो फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, इसे पंचर किया जाता है। जबकि सीटी एंजो में एक वीनस कैनुला के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, तो इसमें आर्टीरियल पंक्चर नहीं होता है, तो इसलिए ब्लीडिंग का चांस और प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम रहता है। कन्वेंशनल एंजो में बेसिकली सबसे पहले हम रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, वहाँ पे एक नीडल पंचर करते हैं, एक वायर पास करते हैं, वो वायर के ऊपर एक शीत या एक कैनुला क्रॉस करते हैं, ये कैनुला को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं और उस कैनुला के थ्रू एक कैथेटर हम हार्ट के पास लेके जाते हैं। ये कैथेटर बेसिकली एक पतली सी ट्यूबिंग होती है, उसके थ्रू से कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ये अंदर से खोखली होती है, इसको हार्ट के पास ले जाके हमारे एंगुलेशन या उसके अंदाज के हिसाब से हम हार्ट की नली में इसको कैनुलेट करते हैं, हुक करते हैं, जिस यहाँ बैठा देते हैं, और जब ये कैथेटर एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है तो हम एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और मशीन पर उसी टाइम पे रेडिएशन बीम को क्रॉस करते हैं, तो मशीन पर एक फोटो आ जाती है जिसको हम सेम टाइम लाइव इंटरप्रिटेशन करके पेशेंट को लाइव दिखा भी सकते हैं, और प्रोसीजर होने के बाद हम पेशेंट को उसका इमेजेस वगैरह दिखा के उनको बता सकते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं या नहीं हैं। 3-4 बेसिक डिफरेंस हो गए सीटी एंजो रेगुलर एंजो में। एक तो एडमिशन की ज़रूरत है सीटी रेगुलर एंजो में, सीटी एंजो में नहीं है। आर्टीरियल पंक्चर की ज़रूरत है रेगुलर एंजो में, सीटी एंजो में नहीं है। कैथेटर हार्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है कन्वेंशनल एंजो में, सीटी एंजो में नहीं है। तो ये बेसिकली 3-4 डिफरेंस हो गए जिसकी वजह से रेगुलर एंजो को इन्वेजिव माना जाता है, सीटी एंजो को नॉन इन्वेजिव माना जाता है। पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव वो भी नहीं होता, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट तो करना ही पड़ता है, मशीन पे तो कुछ देर तो लेटना ही पड़ता है पेशेंट को बस। हाँ, क्योंकि वीनस कैनुला इंजेक्ट किया जाता है तो तुरंत उसको बाहर निकाल के पेशेंट को आधे घंटे में वहाँ से भेजा जा सकता है, जबकि रेगुलर एंजो में क्योंकि हम कैथेटर रेडियल आर्टरी में डालते हैं या फीमोरल आर्टरी में डालते हैं, तो 2-6 घंटे हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को रखना पड़ता है, क्योंकि आर्टरियल पंक्चर को घाव को भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से अगर तुरंत पेशेंट को घर भेज दिया जाए तो ब्लीडिंग होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। इस वजह से हम रेगुलर एंजो वाले पेशेंट्स को 2-6 घंटे रखते हैं, सीटी एंजो वाले पेशेंट्स को रखते नहीं हैं। रेगुलर एंजो और सीटी एंजो में एक इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि रेगुलर एंजो की प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑलमोस्ट 99-100% श्योर शॉट रिपोर्ट आती है इसमें, और इसमें गलती होने का अंदेशा बहुत कम है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उसको दुनिया भर में आप कहीं पे भी वो सीडी को आप ले जाके हम पेशेंट का जो इमेज देते हैं वो एक सीडी में रिकॉर्ड करके पेशेंट को दे देते हैं, साथ में उसका डायग्राम और उसका एक रिपोर्ट पेशेंट को दे देते हैं। ये सीडी की वैलिडिटी सब जगह है, आप इसको किसी भी जगह पे किसी भी डॉक्टर को ले जाके दिखा सकते हैं जो हार्ट से संबंधित काम करता हो, वो सीडी को ले जाकर दुनिया के किसी और कंट्री में भी आप दिखाओगे तो भी उसकी वैलिडिटी है, क्योंकि उसका इमेज पैटर्न जो है वो सब जगह सेम रहता है। हाँ, जो ब्लॉकेजेस का परसेंटेज है वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग डॉक्टर अलग अलग इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज का परसेंटेज जो है वो आईबॉल असेसमेंट पे होता है, विजुअल असेसमेंट पे होता है, हम अंदाज से ही पेशेंट को बताते हैं। इसमें मशीन से कोई प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं आती कि इसमें 58% है, इसमें 68% है, इसमें 78% है, वैसा कुछ नहीं है, अंदाज है। एक ही एंजियोग्राफिक पिक्चर को अलग अलग आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो 2-5% का वेरिएशन आ सकता है, कोई उसको 70 बोलेगा, कोई 75 बोलेगा, कोई 78 बोलेगा, डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यू में ब्लॉकेज अलग अलग एंगल से अलग अलग परसेंटेज सीवियरिटी दिख सकता है, और कोई भी प्रिंटेड रिपोर्ट डायरेक्टली मशीन से नहीं निकल के आती है कि इतना परसेंट ब्लॉकेज है, आ सकती है, उसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, लेकिन वो यूजुअली नहीं किया जाता है, ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट अपने असेसमेंट के बेसिस पे आपको बता देता है, इसलिए थोड़ा इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन इसमें हो सकता है, पर हाँ इसकी क्रेडिबिलिटी फिर भी बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में इसकी वैलिडिटी आप कहीं पर भी ले जाके उस रिपोर्ट को आप असेसमेंट करवा सकते हैं, और आपको
इसमें कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि ये वैलिड यहाँ नहीं है इस, या इसकी रिलायबिलिटी कम है या इसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर इमेज क्वालिटी बहुत ख़राब है, कई कई मशीन्स में ऐसा होता है या कई कई ऑपरेटर्स की कभी कभार मिस्टेक की वजह से इमेज क्वालिटी कई बार बहुत अच्छी नहीं आती है, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट कोई और व्यू में उसको टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन में गैंट्री को रोटेट करके हम अलग अलग एंगल से नली की फ़ोटो लेते हैं, सेम ही ब्लॉकेज को अलग अलग एंगल से विजुअलाइज़ करते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि कभी नली के एंगुलेशन की वजह से कहीं पर ब्लॉकेज ना हो, वो दिख जाए, या कोई ब्लॉकेज मिस हो जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए अलग अलग व्यूज़ लेते हैं। नया ऑपरेटर कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि साहब ये व्यू मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे ब्लॉकेज अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, मुझे इसको फिर से असेसमेंट करना है, तो कर सकता है। पर यूजली सीटी एंजो के कंपैरिजन में रेगुलर एंजो की वैलिडिटी सब जगह है, हर कार्डियोलॉजिस्ट इसको मानेगा, और हार्डली 100 में से 2 या 3 या 5% केसेस में ही ऐसा होगा कि आपको रिपीट एंजो की जरूरत पड़ेगी। वो सीडी की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 months to 1 year सब जगह चलेगा। सीटी एंजो की रिलायबिलिटी कंपेरेटिवली कम है। सीटी एंजो में वो इमेज जो भी आती है अगर पॉजिटिव आ रही है या ब्लॉकेज आ रहा है तो उसको रीकन्फर्म करने के लिए रेगुलर एंजो फिर से करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत बार डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। और दोनों में जहां फाइनल इमेज की बात होगी या फाइनल ट्रीटमेंट करने का डिसीजन अगर लेना है तो वो रेगुलर एंजो या कन्वेंशनल एंजो की ही वैलिडिटी है, सीटी एंजो की उसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है। सीटी एंजो में परसेंटेज कितना ब्लॉकेज है वो एग्जैक्ट आपको मशीन कभी भी नहीं बता पाएगी, और बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि सीटी एंजो बहुत सिग्निफिकेंट गलतियां कर देता है, ब्लॉकेज का परसेंटेज में 2-5 नहीं 20-50% का भी वेरिएशन या गलती कर सकता है सीटी एंजो। तो इसलिए सीटी एंजो की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। नॉर्मल रिपोर्ट की वैलिडिटी सीटी एंजो की अच्छी है, यानी कि सीटी एंजो अगर किसी को अच्छी रिपोर्ट दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, नली में फ्लो बिल्कुल अच्छा जा रहा है, कहीं पर भी नली दबी हुई नहीं है, तो उसकी वैलिडिटी अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर वो कोई ब्लॉकेज दे रहा है कि यहाँ इसमें कुछ सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज दिख रहा है, तो उसको फिर से रेगुलर एंजो करके कंफर्म करना पड़ेगा। यही कारण है कि कार्डियोलॉजिस्ट सीटी एंजो ज़्यादातर केसेस में नहीं बोलते। रीज़न यही है कि वैलिडिटी बहुत कम है। अगर एक सीटी एंजो की रिपोर्ट आप लेके आ गए और मैंने आपको बोल दिया साहब नॉर्मल है, बाद में रेगुलर एंजो की हो तो रिपोर्ट बिल्कुल अलग भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली क्रेडिबल नहीं है। तो इसलिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि साहब पहले सीटी एंजो कराओ, 10,000 उसमें बर्बाद करो, फिर रेगुलर एंजो करेंगे 10,000 उसमें बर्बाद करेंगे, पहले सीटी एंजो में कॉन्ट्रास्ट आपका डालेंगे 100 ml, फिर रेगुलर एंजो में कॉन्ट्रास्ट डालेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है कि रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स जो है रेगुलर एंजो की कई गुना ज़्यादा है। दुनिया भर में उसकी वैलिडिटी है, ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये हर जगह है, दुनिया भर में फॉलो किया जाता है कि सीटी एंजो की रिपोर्ट्स उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उसको सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। सीटी एंजो की रिपोर्ट्स में नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छी होती है, यानी रिपोर्ट में अगर पूरी तरह नॉर्मल रिपोर्ट है तो वैल्यू अच्छी है, नॉर्मल है तो नॉर्मल माना जा सकता है, 95-98% रिलायबिलिटी है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काफ़ी कम है। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है या कोई ब्लॉकेज सीटी एंजो में आ रहा है तो उसको रेगुलर एंजो से कंफर्म करना वापस से कंपलसरी है। तो इसलिए अगर 10-20% आ रहा है तो ठीक है, आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर 70 है 60 है 50 है, अगर सिग्निफिकेंट वो आ रहा है लेजेंड कि वहाँ प्लास्टिक करनी है कि बाईपास करना है, वो डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली आपको रेगुलर एंजो ही करना पड़ेगा। हम क्या फॉलो करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हाई रिस्क है या कोई पेशेंट को डेफिनेट है कि ब्लॉकेज आना है, या 50 60 70 साल की आयु से ज़्यादा का पेशेंट है जिसमें काफ़ी चांसेस है कि ब्लॉकेज निकल सकता है, रिस्क फैक्टर्स है, टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है, वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए जहाँ पे भी हम कर रहे हैं वहाँ सीटी एंजो नहीं करते हैं, वहाँ रेगुलर एंजो ही करते हैं। वहाँ रेगुलर एंजो का ही रिपोर्ट का प्रेडिक्टिव वैल्यू है, और ज़्यादातर केस में जब ब्लॉकेज अगर कंफर्म होता है तो अगर ट्रीटमेंट अगर प्लान करना हो तो उसी टाइम पे हम कर सकते हैं, जबकि सीटी एंजो में उसी टाइम पे ट्रीटमेंट हम कुछ नहीं कर सकते, वापस से रेगुलर एंजो करके कंफर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। अब सीटी एंजो कहाँ प्रीफर करते हैं, जैसे कोई यंग पेशेंट मेरे पास आया 25-30 साल का, जिसमें मुझे भी पता है कुछ नहीं आने वाला, पेशेंट बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि साहब पक्का बताओ मेरे को कि ब्लॉकेज है कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, तो वैसे केसेस में बोलेंगे अच्छा भैया सीटी एंजो करा ले, सीटी एंजो करा ले, नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी, तो यू विल बी मेंटली सेटिस्फाइड कि कुछ नहीं है। उसमें भी अगर ब्लॉकेज आता है सीटी एंजो में, बाय चांस अगर आ जाता है तो कंफर्म तो रेगुलर एंजो में ही होगा, ट्रीटमेंट का डिसीजन सारा रेगुलर एंजो पे ही होगा। सीटी एंजो के बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट कभी डिसाइड नहीं हो सकता कि कितना परसेंट ब्लॉकेज है, क्या करना है क्या नहीं करना है, फाइनल डिसीजन जो है वो रेगुलर एंजो पे ही होगा। सीटी एंजो खाली अंदाज के लिए किया जाता है, एज अ स्क्रीनिंग टूल यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी लोग जो आपको बोलते हैं कि सीटी एंजो उससे बेटर है, वो नई टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, सब बकवास है। रीज़न वो लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना जाए और वो डायरेक्टली
ऑल्टरनेटिव थेरेपीज या नॉन साइंटिफिक थेरेपीज की तरफ चला जाए, इसके लिए वो आपको सीटी एंजियो को बोलते हैं, वो उससे बेटर है। आप चाहो तो गूगल सर्च करके देख सकते हो, आप चाहे तो इंटरनेशनल डेटा निकाल के देख सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ आपको एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मेरी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए उसको पढ़ के देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो ये आर्टिकल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो में क्या डिफरेंस है आपको बहुत सारे लोग समझा देंगे। बेसिकली सीटी एंजियो वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ स्क्रीन करना है कि पेशेंट को एक सर्टिफिकेट देना है कि इसको कुछ नहीं है, तो हम सीटी एंजियो करते हैं। जहाँ पे भी पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, या हमें कन्फर्म रिपोर्ट चाहिए, वहाँ रेगुलर एंजियो ही करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं सीटी एंजियो के बदले, क्योंकि पेशेंट का डबल खर्चा होता है, पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट लोड बढ़ जाता है, और क्रेडिबल रिपोर्ट रेगुलर एंजियो के बाद ही मिलती है, सीटी एंजियो के बाद नहीं मिलती है। इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज रेगुलर एंजियो का ये है कि जहाँ नलियों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, वहाँ इमेज की इंटरप्रिटेशन रेगुलर एंजियो की कई गुना अच्छी होती है। जहाँ पेशेंट को पहले स्टेंट डला हुआ हो, वहाँ पेशेंट का कैथेटर एंजियो में ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि स्टेंट्स के जो स्ट्रट्स होते हैं उसके थ्रू सीटी की बीम पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो अगर आपको पहले से स्टेंट डला है और उसको सीटी में इंटरप्रेट करना है, तो सीटी की रिपोर्ट कई बार बहुत फेलेशियस आएगी, बहुत गलत आएगी। वो स्टेंट की बीम जो है वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगी, तो सीटी की बीम को कंपेरेटिवली मशीन को इंटरप्रेट करने में उसको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आते हैं। और ज़्यादातर स्टेंट रिस्टेनोसिस के बारे में सीटी एंजियो की जो भी रिपोर्ट आती है उसमें कम से कम 20-30% वेरिएशन हमेशा रेगुलर एंजियो में आपको मिल ही जाता है। वैसे पेशेंट में बिल्कुल नहीं है सीटी एंजियो को करना। अगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तो आप फिर भी मान सकते हो कि चलेगा, लेकिन हाँ अगर 50% रीब्लॉकेज भी बोल रहा है, 60% भी बोल रहा है, तो आपको रेगुलर एंजियो फिर से करके कंफर्म करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, अगर नलियों में कैल्शियम ज़्यादा हो, तो नलियों के ऊपर जब उम्र के साथ 50-60 की आयु के बाद कैल्शियम जमा हो जाता है, ये कैल्शियम को सीटी की बीम्स रिफ्लेक्ट करती हैं, ये कैल्शियम सीटी बीम्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से सीटी बीम्स कैल्सीफाइड नलियों में अच्छी रिपोर्ट नहीं दे पाते, आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक और रीज़न है कि उम्र दराज पेशेंट में, हाई रिस्क पेशेंट में रेगुलर एंजियो को ही किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जहाँ पे हम रेगुलर एंजियो को प्रिफर करते हैं वो है किडनी के डिजीज़ वाले पेशेंट में। रेगुलर एंजियो जब हम करते हैं कैथेटर वाला, तो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट यूज़ होता है वो 10-20 ml यूज़ होता है, और उसमें कुछ महंगे कॉन्ट्रास्ट भी अवेलेबल हैं जो हम स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, ताकि बहुत कम कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ करोगे उतना किडनी पर ज़्यादा डैमेज होगा। आप 10 ml में एंजियोप्लास्टी फिनिश करोगे तो डैमेज 1/10 होगा, 100 ml करोगे तो उससे 10 गुना डैमेज होगा। तो सीटी एंजियो में हर पेशेंट में, क्योंकि पूरी नस को भरना पड़ता है, पेरिफेरल कैनुला से आप इंजेक्ट करते हो तो वहाँ से पूरे हार्ट तक, एओर्टा तक सारा नस भरेगा, तभी सीटी एंजियो की पिक्चर आएगी। तो एक 10 ml 20 ml में कॉन्ट्रास्ट में आप प्लांस ग्राफी नहीं कर सकते, आपको 100 ml या 200 ml कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना पड़ता है, तभी आप उसका पिक्चर ले सकते हो। जबकि रेगुलर एंजियो में या कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो में आप डायरेक्ट नली के अंदर ही कैथेटर बिठा के कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा 5 ml कॉन्ट्रास्ट भी दोगे तो नली भर जाएगी, तो आपको उसको अच्छी इमेज आ सकती है। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स में हम डाइल्यूटेड कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है रेगुलर एंजियो में कि हम उसको, पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो 5 ml कॉन्ट्रास्ट को भी हम 1:2 रेशियो में या 3 रेशियो में सलाइन में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं, ताकि कॉन्ट्रास्ट और कम यूज़ हो। तो किडनी पेशेंट्स में एडिशनल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम रेगुलर एंजियो करें सीटी एंजियो के बदले, क्योंकि इमेज की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार में जो रिपोर्ट आ गई वो फुल एंड फाइनल है, इंटरप्रिटेशन की बार बार माथापच्ची नहीं है, सीडी की वैलिडिटी सब जगह है, जहाँ पे भी ले जाके इसको इंटरप्रेट करें आप, उसको दिक्कत नहीं आएगी, सब मानेंगे उस रिपोर्ट को, और आपको किडनी का डैमेज नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट कंपेरेटिवली कम यूज़ होगा, जीरो होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कम होगा। तो आपको 10 गुना कॉन्ट्रास्ट जहाँ यूज़ हो रहा है और 1 गुना जहाँ यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली 10 times डैमेज का असर बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होगा किडनी पर उतनी मार ज़्यादा पड़ेगी। तो जो पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, पहले का किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी है, किडनी का क्रिएटिन ऑलरेडी बॉर्डर लाइन लेवल्स पे आ चुका है, वहाँ डेफिनेटली आपको सीटी एंजियो नहीं करना है, वहाँ रेगुलर एंजियो ही करना है। अगर कर भी सकते हैं, कई बार रेगुलर एंजियो भी नहीं कर पाते इतना किडनी का डैमेज होता है, तो वैसे पेशेंट में सीटी एंजियो इज़ आउट। पर हाँ, अगर नॉर्मल किडनी फंक्शन है, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं, वहाँ सीटी एंजियो को करिए। जहाँ कन्फर्म रिपोर्ट चाहिए, जहाँ श्योर शॉट रिपोर्ट चाहिए, पेशेंट को पहले स्टेंट हुआ है, पेशेंट को अगर पहले कैल्सीफाइड नलियाँ हैं, तो वैसे केस में रेगुलर एंजियो ही करेंगे। अब सब बोलेंगे कि सब सारे फायदे अगर रेगुलर एंजियो में, तो सीटी करना ही क्यों है।
सबसे अच्छा एडवांटेज सीटी का ये है, तीन चार एडवांटेज है। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगेगा, वीनस कैनुला लगेगा, तो आर्टेरियल पंक्चर जब करते हैं तो ब्लीडिंग रिस्क, इन्फेक्शन रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है, ये हम भी मानते हैं। तो इसलिए वैसे केस में सीटी एंजियो ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीनिंग के हिसाब से अच्छा है, जहाँ यंग पेशेंट में हमें रूल आउट करना है, टीएमटी में बॉर्डर लाइन रिपोर्ट आ रही, क्लियर नहीं हो रहा कि ब्लॉकेज है कि नहीं, वहाँ सीटी करके देख सकते हैं। हमें भी 95% श्योर है कि पेशेंट को कुछ नहीं निकलेगा, सीटी एक कन्फर्म रिपोर्ट दे देता है, तो हमें मन की तसल्ली हो जाती है, मन की शांति के लिए है वो, कन्फर्म रिपोर्ट के लिए नहीं है। इसके अलावा किसी को अगर बाईपास किया हुआ हो या अनोमलस वेसल्स हो तो उसमें सीटी एंजियो बेटर पड़ता है। क्यों बेटर पड़ता है? क्योंकि बाईपास के ग्राफ्ट अलग अलग सर्जन अलग अलग एंगल्स में लगा देते हैं। हमारे कैथेटर्स जो डिज़ाइन होते हैं नलियों में बैठाने के लिए, वो एक स्पेसिफिक नेचुरल पोजीशन के हिसाब से कंपनीज बनाती हैं कि ये पोजीशन में कैथेटर ऐसे एंगल करेगा तो बैठेगा। क्योंकि ये कैथेटर्स कोई डायरेक्टली इमेज देख के तो बैठाते नहीं है, मशीन पर उसकी फोटो देख के अंदाज से ही बिठाना पड़ता है कैथेटर्स को नली में, और जब तक नली में बैठेगा नहीं कैथेटर तब तक रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, इमेज ब्लर आएगी। तो आपको कैथेटर्स को नली में बिठाना कंपलसरी होता है। जहां बाईपास ग्राफ्ट और एनोमलस वेसल्स की नौबत आती है वहां पे रेगुलर एंजियो कैथेटर वाला करने में कार्डियोलॉजिस्ट को दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि सर्जन अलग अलग एंगल से बाईपास ग्राफ्ट को लगा देता है, कोई सर्जन आगे लगा रहा है, कोई पीछे लगा रहा है, पूरी नली में सर्जन कहीं पे भी ग्राफ्ट को फिक्स कर सकता है। तो उसको ढूंढने में कैथेटर को टाइम लगता है कि अलग अलग एंगल्स पर रोटेट करना पड़ता है, तब जाके वो उसमें बैठता है। सिमिलरली अगर अनोमलस वेसल्स है, यानी कोई नली भगवान ने ही अलग अलग एंगल पे बना दी है, नेचुरल जो एंगल्स पे आ रहा है कैथेटर तो उसी डिजाइन से बनता है। अगर कोई भगवान ने नली ऊपर बना दी है, सीधे बना दी है, पीछे तरफ से निकल रही है, जिसको अबनॉर्मल पोजिशन से ओरिजिनेट हो रही है वेसल्स, अनोमलस वेसल्स बोलते हैं, वैसे केसेस में भी सीटी एंजियो अच्छा पड़ता है। क्योंकि सीटी एंजियो में एक बार में पूरी नली ओपेसिफाई हो जाती है, तो नली भले आगे से निकल रही है कि पीछे से निकल रही है, सारी नली ही भर जाएगी, क्योंकि पूरी मेन एओटा को ही आप कॉन्ट्रास्ट से भर दे रहे हो। तो एओटा के किसी भी एंगल से नली अगर निकलेगी तो आपको उसमें दिख जाएगा। एक और एडवांटेज ये है कि सीटी एंजियो में आपको एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर मिलता है। तो नली में अगर कोई एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन आ रहा हो, कोई एंगल की वजह से या कोई हड्डी की वजह से या कोई बोन या ट्यूमर कैंसर की वजह से नली दब रही हो, तो वो आपको उसमें दिख जाएगा। कभी कभार अनोमलस वेसल्स होती है जो पल्मरी आर्टरी के बीच से निकल रही होती है, और कभी कभार बाहर से उस पर दबाव आ सकता है। तो एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर सीटी आपको देता है, जो कि कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो थ्री डायमेंशनल पिक्चर आपको नहीं देता है। यानी नली में अगर कोई एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, लाखों में एक दो केस में ही होता है, पर अगर वैसा कोई केस में डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कि इसमें एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो सकता है, तो वहाँ पर सीटी एंजियो का ज़्यादा रोल है। यानी कि जहाँ स्क्रीनिंग कर रही है, जहाँ लो रिस्क पेशेंट है, जहाँ आपको एडमिशन नहीं करना है पेशेंट को, लेस इन्वेजिव प्रोसीजर चाहिए, कैथेटर हार्ट के पास नहीं ले जाना है, ऑब्वियसली सीटी एंजियो में लेस इन्वेजिव है तो रिस्क भी कम रहता है। कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो में क्योंकि आप हार्ट के अंदर कैनुला बिठाते हैं, कैथेटर बिठाते हैं, तो थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। कभी एक बार हाई रिस्क पेशेंट में जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट में कैथेटर जब आप बिठाते हैं तो वो नली के सतह को डैमेज कर सकता है, लाखों में एक आध, लेकिन किसी का व्यक्ति का हाई रिस्क पेशेंट में खासकर जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए रेगुलर एंजियो में थोड़ा रिस्क का एलिमेंट है, सीटी एंजियो में वो नहीं है। इसके अलावा सीटी एंजियो में और ये फायदे हैं कि अनोमलस वेसल और बाईपास ग्राफ्ट्स वाले वेसल्स में सीटी एंजियो थोड़ा यूजफुल है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एंजियो। साथ में अगर हार्ट का स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन भी करना हो, हार्ट का अगर कोई स्ट्रक्चरल अब्नॉर्मलिटी हो, लंग्स को भी साथ में देखना हो, कोई और यूजेज भी अगर साथ में हो, तो सीटी एंजियो का बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सेम टाइम पे वो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे पाएगा जो आप बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बड़ी नली यानी एओर्टा का भी पिक्चर अगर आपको लेना हो साथ में, तो भी सीटी एंजियो यूजफुल है, क्योंकि उसमें पूरी एओर्टा को आप एक बार में कॉन्ट्रास्ट से भर देते हो, तो हार्ट की नली और बाकी एओर्टा को भी आप साथ में देख सकते हो। हालांकि ये बहुत अच्छी पिक्चर नहीं आती है, क्योंकि इसमें दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। रेगुलर एंजियो के लिए मशीन की पोजिशन गैंट्री की अलग रहती है, और एओर्टाग्राम अगर आपको लेना हो या नीचे की किडनी विडनी की नली को आपको असेस करना हो, तो उसकी गैंट्री की पोजीशन अलग रहती है। तो सेम टाइम में सेम कॉन्ट्रास्ट में ही सीटी मशीन भी दोनों को इंटरप्रेट कर पाएगी, ऐसा डाउटफुल है। पर हाँ, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है जहाँ सारी नलियों को चेक करना है, तो आप सीटी एंजियो को प्रेफर कर सकते हो, पर ये डिसीजन आप आपके डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। और फालतू जो लोग बोलते हैं कि सीटी एंजियो नई टेक्निक है, वो बहुत बेटर है और ये है, सीटी एंजियो ऑलमोस्ट 30 साल से अवेलेबल है, 25-30 साल से अवेलेबल है, रेगुलर एंजियो भी 25-30 साल से अवेलेबल है, तो कोई नई टेक्निक नहीं है। ये है कि बस उसमें अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं जिसके हिसाब से डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं। आप अननेसेसरी ऐसे लोगों के पास जाओगे और वो आपको मिसगाइड करते हैं, और लोग जो मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपको गाइड करते रहते हैं कि सीटी एंजियो करा लो, ये करा लो। तो अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि आपके केस में क्या बेटर है, उस हिसाब से आप कीजिए। आप इसकी उसकी बोली बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका डिसीजन गलत होगा, और कई बार आप रिपोर्ट कराएंगे, अनरिलायबल रिपोर्ट आएगी, बाद में कंफर्म करने कार्डियोलॉजिस्ट आपको रेगुलर एंजियो करने ही बोलेगा, तब आपका दिमाग भी खराब होगा कि साला 10 से 15,000 रुपये पैसा भी वेस्ट हो गया मेरा,
और इतना कॉन्ट्रास्ट भी गया, किडनी भी डैमेज हो गया, और अब रिपोर्ट भी रिलायबल नहीं आई, फिर से वापस करना ही पड़ रहा है, तो पहले ही करा लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो इसीलिए रिलायबिलिटी के टर्म्स में ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं सीटी एंजियो के बदले। हमें भी रेगुलर एंजियो करने में कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि रेगुलर एंजियो करने में ऑब्वियसली हॉस्पिटल को भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं होता, और दूसरा ये है कि डॉक्टर को तो उसमें रेडिएशन झेलना ही पड़ता है, जिससे डॉक्टर में भी लॉन्ग टर्म ट्यूमर कैंसर की प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ सकता है। तो लो रिस्क पेशेंट में तो मैं खुद भी अपने पेशेंट को सीटी एंजियो के लिए भेजता हूँ, पर जहाँ पर आपको एक्चुअल रिपोर्ट चाहिए, जहाँ रिलायबल चाहिए, वहाँ आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, वहाँ आपको अच्छी रिपोर्ट देनी पड़ती है। मुझे क्योंकि पेशेंट को रिपोर्ट देनी है, मुझे पेशेंट को टाइम पास नहीं करना है कि सब कोई बात नहीं आप देख लो, शायद तो होगा कोई बात नहीं, अगर ब्लॉकेज निकला तो कर देंगे, नहीं निकला तो छोड़ देंगे, वैसा टाइप अगर गोल गोल बातें हम करेंगे तो पेशेंट को भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि उसको दवा की ज़रूरत है कि नहीं, प्लास्टिक की ज़रूरत है कि नहीं, बाईपास की ज़रूरत है कि नहीं। डिसीजन मेकिंग कभी नहीं हो सकता सीटी एंजियो में, डिसीजन मेकिंग के लिए रेगुलर एंजियो ही लगेगा। तो जहां मुझे पेशेंट को श्योर रिपोर्ट देनी है कि उसको परफेक्ट मुझे बताना है कि इसको आगे क्या लगेगा, दवा लगेगी, बाईपास लगेगा, एंजियोप्लास्टी लगेगा, कितने स्टेंट्स लगेंगे, कितने ब्लॉकेजेस को हम छोड़ सकते हैं, वो सारा डिसीजन रेगुलर एंजियो पे ही होगा। सीटी एंजियो खाली अंदाज देने के लिए या स्क्रीनिंग करने के लिए ही यूजफुल है, रेगुलर एंजियो के बदले नहीं है। अगर ऐसा होता तो सालों पहले रेगुलर एंजियो का कॉन्सेप्ट बंद हो चुका होता और सिर्फ हम वही केसेस को ले रहे होते जहां पे हमको प्लास्टिक करनी होती, क्योंकि एंजियो करने में हॉस्पिटल को भी कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं होता, पर जहां पे प्लास्टिक करनी होती वहीं पे हम केसेस को लेते। एक और इशू ये है कि सीटी एंजियो में क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, इसलिए अक्यूट हार्ट अटैक के सेटिंग्स में इसको यूज़ नहीं कर सकते। अक्यूट हार्ट अटैक के सेटिंग्स में किडनी ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे सीटी एंजियो का आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक तो बहुत ज़्यादा जाता है, हार्ट और किडनी पर बहुत ओवरलोड होता है, लंग्स में सडनली पानी भर सकता है। तो इसलिए अगर अक्यूट हार्ट अटैक है तो वहाँ सीटी एंजियो बिल्कुल वैलिड नहीं है, वहाँ रेगुलर एंजियो ही लगेगा। और दूसरा, अगर व्यक्ति की हृदय गति अगर ज़्यादा है तो भी वहाँ रेगुलर एंजियो ही लगेगा, क्योंकि सीटी एंजियो में हार्ट की गति 60 पर लाना कंपलसरी है। अगर दवा के माध्यम से या किसी भी तरह से आप हार्ट गति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या पेशेंट को अरिदमिया है, रिदम 70-100 से ऊपर जा रही है, तो सीटी की पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं आएगी, आपको गलत रिपोर्ट ही मिलेगी। तो रेगुलर एंजियो की वो सब केसेस में भी ज़्यादा वैलिडिटी है। स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन के लिए अच्छा एक सीटी गाइडेड एफएफआर भी आता है, जिसमें सीटी में कितना ब्लॉकेज है नली को, उसको भी सीटी में असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत रिलायबल नहीं है। एफएफआर का बेसिकली मतलब ये है कि नली के अक्रॉस, ब्लॉकेज के अक्रॉस कितना प्रेशर ग्रेडियंट है, उसको असेसमेंट कर सकते हैं। पर ये भी सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो में एफएफआर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हम एक प्रेशर वायर क्रॉस करते हैं और नली के आगे पीछे में कितना प्रेशर डिफरेंस है उसको असेसमेंट करते हैं। एफएफआर के रिगार्ड्स में मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं ये क्या है। पर रेगुलर एंजियो में सिर्फ एफएफआर की वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी आती है सीटी एंजियो के कंपेरिजन में। सीटी एंजियो में ज़्यादातर सिर्फ अंदाज ही मिलेगा, परफेक्ट रिपोर्ट कभी नहीं मिलेगी। अब बात करेंगे सीटी कैल्शियम स्कोरिंग क्या होता है। सीटी कैल्शियम स्कोरिंग में बेसिकली आप नली में कितना कैल्सिफिकेशन है, कितना उम्र के साथ कैल्शियम नली में जमा हो गया, उसको असेसमेंट करते हैं, आप कोई कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करते। तो ये एक बहुत बेसिक स्क्रीनिंग टूल है जिसकी कोई ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। सीटी कैल्शियम स्कोरिंग की रिपोर्ट 90% ऑफ द टाइम्स कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ वो कैल्शियम लेवल्स का ही बताता है, वो कैल्शियम ब्लॉकेज में है या नहीं है, ब्लॉकेज में कितना परसेंट कैल्सिफिकेशन है, वो बहुत केसेस में केस टू केस वेरी करता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ कैल्शियम को देख लेने से आप ब्लॉकेज को 100% इंटरप्रेट कर सकते हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसकी भी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छी है, अगर नली में बिल्कुल कैल्शियम नहीं है तो एक अंदाज आपको मिल सकता है कि कोई ब्लॉकेज नहीं है। पर इसमें भी काफ़ी पेशेंट में जो हार्ट अटैक आता है वो नॉन कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस में ही आता है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस सॉफ्ट होते हैं और तुरंत मेम्ब्रेन इसकी फटती है और इसमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये केसेस में भी सीटी कैल्शियम स्कोरिंग की रिलायबिलिटी बहुत कम है। हाँ, अगर नली बिल्कुल परफेक्टली नॉन कैल्सिफाइड आ रही है तो पेशेंट को लो रिस्क आप बोल सकते हैं, यानी रूटीन ईसीजी इको टीएमटी से ये बेटर है, लेकिन बहुत बेटर है। और एंजियो से कंपेयर करता है वैसा बिल्कुल नहीं है, एंजियो से ये बहुत इन्फीरियर है। दोनों सीटी एंजियो, रेगुलर एंजियो दोनों से बहुत इन्फीरियर है। तो कैल्शियम स्कोरिंग को प्रैक्टिकली आज के डेट में ज़्यादातर लोग नहीं कराते, आउटडेटेड जैसा ही है, ज़्यादातर लोग नहीं कराते क्योंकि इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन एडिशनल नहीं मिलती, बाद में कन्फर्म करने के लिए एंजियो करना ही पड़ता है। तो आप सिर्फ कॉन्ट्रास्ट डालने से बचने के लिए पेशेंट को अगर रेगुलर एंजियो के बदले से ये करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैल्सिफिकेशन को देख के आप सारा असेसमेंट नहीं कर सकते वेसल का, खाली एक बेसिक अंदाज ही आपको मिलेगा, आपको परफेक्ट रिपोर्ट कभी नहीं मिलेगी, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, क्या करना है। और बेसिकली हमें तो वही तो जानना है, एंजियोग्राफी का पर्पस क्या है, कि ये जानना कि कितना ब्लॉकेज है पेशेंट को, ताकि ट्रीटमेंट करना है कि नहीं वो डिसाइड करना है। आपको वही रिपोर्ट नहीं मिल रही तो सिर्फ कैल्शियम जान के आप क्या करोगे, तो उससे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ खास चेंज नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर लोगों में सीटी कैल्शियम स्कोरिंग हम प्रिफेर नहीं करते हैं, और खासकर उम्र दराज पेशेंट में चाहे ब्लॉकेज 0% भी हो लेकिन कैल्शियम तो मिलता ही मिलता है। तो अब क्या इन हर लोग को जिनके नली में कैल्शियम है, आप सबको अब हार्ट अटैक की लाइन्स पर ट्रीटमेंट चालू कर दोगे?
नहीं, क्योंकि उनको कैल्शियम डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो वैसे लोगों में कैल्शियम स्कोरिंग बिल्कुल ही गलत आएगा, कैल्शियम स्कोरिंग बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन ब्लॉकेज हो या नहीं हो वो केस टू केस वेरी करेगा। तो ऐसे सब केसेस में आपको रेगुलर एंजियो बाद में करना ही पड़ता है कन्फर्म करने के लिए। इसलिए सीटी कैल्शियम स्कोरिंग पहले एज अ स्क्रीनिंग टूल बहुत ज़्यादा प्रमोट होता था, लेकिन अब इसका रियलाइज ज़्यादातर लोगों ने किया है कि इसमें बहुत एडवांटेज नहीं मिलता, पेशेंट का अननेसेसरी टाइम और पैसा बिगड़ता है, और एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को भले पैसा लगे या कुछ भी लगे, पेशेंट को रिलायबल रिपोर्ट चाहिए, पेशेंट को बकवास नहीं चाहिए, पेशेंट को टाइम पास नहीं चाहिए, पेशेंट को क्रेडिबल रिपोर्ट चाहिए कि क्या है आप मुझे बताओ, फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। आप पेशेंट को खाली बोल दोगे साहब कैल्शियम आपका 400 है, ब्लॉकेज है कि नहीं पता नहीं, आपका कैल्शियम इसमें 200 है, ब्लॉकेज है कि नहीं पता नहीं, तो उस रिपोर्ट को पेशेंट भी क्या करेगा, पेशेंट के लिए क्या वैल्यू है उसकी, कैल्शियम स्कोर उसका भले 0 हो कि 200 हो कि 400 हो, उसको तो ये जानना है कि मुझे ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, मुझे उसका ब्लॉकेज का निवारण करना है कि नहीं करना है। आप मुझे वो बताओ कि आगे क्या करना है, कैल्शियम स्कोर 200 है कि 300 है कि 400 है कि 800 है, वो जान के मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है। जब फाइनली रिपोर्ट बनेगी एंजियो पर तो डायरेक्टली एंजियो करो, कैल्शियम कितना है वो उसमें भी दिख जाएगा। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस वाई सीटी कैल्शियम स्कोरिंग डायरेक्ट आइसोलेटेड वे में ज़्यादातर लोग नहीं प्रेफर करते, रिलायबल रिपोर्ट्स नहीं है, कोई एडिशनल इनपुट या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, और डोंट थिंक कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है सीटी कैल्शियम स्कोरिंग एज के ऑफ नाउ। फिजिशियंस कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स रिकमेंड करते हैं, नॉन साइंटिफिक थेरेपी ECP और किलेशन थेरेपी रिकमेंड करने वाले लोग ऐसी चीज़ें करवाते रहते हैं, पर इसका एक्चुअल और प्रैक्टिकल यूजेज कुछ भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक आज के डेट में इसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। आज के टॉपिक के माध्यम से हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ों को मैंने फुल कवर करने की कोशिश की है। आई होप इस टॉपिक के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और क्यों कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करते हैं कैथेटर एंजियो को, और कहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं, वो चीज़ आपको समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने ये टॉपिक में एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको ये बोलते हैं कि रेगुलर एंजियो करो सीटी नहीं करो, तो आप डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट पर शक करने के बदले आप उसको समझ सकेंगे बेटर कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है और ये आपकी बेहतरी में है, तो आप उसको बेटर समझ के बेटर असेस करके बेटर कंप्लाई कर सकोगे। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको 50 लोगों से पूछना नहीं पड़े, और अनरिलायबल सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी ना पड़े। इसमें ऐसा होता है कि कई बार डॉक्टर सारी चीज़ें आपको समझा नहीं पाते। आप मेरी क्लिनिक में अगर मुझसे पूछोगे कि सीटी एंजियो और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको थोड़ी आधा घंटा बैठा के समझा सकता हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, पर ये व्लॉग के माध्यम से मैंने वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सिर्फ डॉक्टर्स पर और सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि दोस्त तो एक दूसरे की सुनी हुई बातें कुछ भी बोल देते हैं, उसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। आपको अगर मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए कंटेंट यूजफुल है, तो वीडियो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए, या अब भी आपके कोई डाउट्स हैं, तो उनके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना, और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हमें पूछिए, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, या फ्यूचर में कोई और वीडियो बना के उसको एड्रेस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे डेफिनेटली हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है रहेगा कि हम फ्यूचर में नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।